हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्लास 12 से। हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस बार टर्न है क्वेश्चन नंबर 15 का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 टू 1, ओपन इंटरवल है। और डिसजॉइंट का मतलब है कि नथिंग इन कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं होता, जैसे आपने सेट्स में पढ़ा होगा। डिसजॉइंट से प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय, द फंक्शन दिया हुआ है x + 1 / x is strictly increasing on i, ठीक है? अब इसी ये लाइन है पहले, इसका लॉजिकली मतलब क्या है वो देख लीजिए कि ये जो fx है x + 1 / x be any interval disjoint from -1 to 1, एक्चुअल में इसको लिखने का एक और तरीका है सिंपलीफाइड वे, -infinity to -1 union 1 to इंफिनिटी, ठीक है? अब देखिए हुआ क्या कि -1 टू 1 तो अब भी है यहां पर, ठीक है, लेकिन यहां कनेक्टिविटी किस चीज के लिए देखिए, हम दो इंटरवल लेते हैं, बनाते हैं, हम कैसे लेते हैं -infinity टू -1, फिर एक लेते हैं -1 टू 1 और फिर लेते हैं 1 टू इंफिनिटी। देखिए मैंने यहां पर -1 टू 1 वाला इंटरवल लिया ही नहीं है, यही मतलब है नथिंग इन कॉमन। डिसजॉइंट वर्ड बोला गया, डिसजॉइंट का मतलब ही था कि यहां पर -1 टू 1 वाला पार्ट नहीं होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा, वरना -1 इसमें आ गया, फिर बीच वाला जो मैं -1 1 बोल रहा हूं उसमें कॉमन -1 आ गया और एक 1 भी आ गया जो तीसरे वाले सेट में मौजूद है, तो वो नहीं होगा यहां पर। ये मतलब था यहां पर डिसजॉइंट का, ठीक है। चलिए अब हमसे कह रहा है कि ये फंक्शन fx है, ये इस पर जो मैं सिंपलीफाई करके दिया है, मतलब -1 टू 1 पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सबसे बात ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो पहले fx निकालते हैं जो कि ग्रेटर देन 0 रख लेंगे। तो चलिए पहले fx निकालते हैं, तो 1 का हो गया, x का हो गया 1 और 1 / x का डेरिवेटिव होता है -1 / x2, तो लिखेंगे फॉर, क्योंकि प्रूफ कर रहा है, ठीक है, फॉर fx टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पुट f' ग्रेटर देन 0, इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा कुछ नहीं करते, तो ठीक है यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं x²-1/x²=0 कि ये वाला पार्ट पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो मतलब जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो एक चीज देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वहां पर तो पहले से एक्स स्क्वायर है, मतलब आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, तो इससे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हम पिछले वीडियोस में भी आपको कई बार बता चुके हैं कि जब टोटल होल पर स्क्वायर लगा होता है तो उनको तो हम काउंट ही नहीं करते, क्योंकि वो तो वैल्यू आप कोई सी भी लीजिए हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगी, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब दिक्कत है कि इस पूरे पार्ट का ग्रेटर देन 0 होना किस बात पर निर्भर करता है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि फॉर x²-1/x² ग्रेटर देन 0 व्हेन, कब, जब उसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 हो जाए। देखिए तो फिर से बता दूं, डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि यहां पर कोई होल स्क्वायर तो है नहीं, तो इस पूरे टर्म का ग्रेटर देन 0 होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया उसे, इंटरवल मिटा दिया मैंने, वापस फिर से लिख देता हूं, चलिए अब ध्यान देखिए ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x² ग्रेटर देन 1। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यहां पर x की वैल्यूज चाहिए, ऑब्वियस सी बात है मुझे वैल्यूज तो चाहिए, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब दिक्कत है यहां पर तो ग्रेटर देन 1 है, और जबकि वैल्यूज निकालने के लिए तो इक्वल टू 0 चाहिए होता है, तो ठीक है बिल्कुल वही करते हैं, हम वैल्यूज निकालने के लिए पुट x² = 1 ही लिखेंगे, जो कि हो गया +-1। चलिए नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं इसे, तो -∞ + ∞ और आपका पहले आएगा -1 फिर आएगा 1। अब जरा ध्यान से देखिए, एक चीज का ध्यान रखें, आपको कभी भी कोई क्रिटिकल पॉइंट निकालना हो
ख्याल समझिएगा, अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालना हो तो आप अपने एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रख दीजिए, फंक्शन ग्रेटर देन जीरो दिया है या लेस देन जीरो दिया है इससे फर्क नहीं पड़ता है। इक्वल टू जीरो रखकर आप कभी भी अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं, या क्वेश्चन में ही ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू जीरो ला दिया। ठीक है, चलिए अब मैं अपने इंटरवल्स बनाता हूं। चलिए इंटरवल बनाते हैं, इंटरवल तो इंटरवल क्या बनेंगे देखिए, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, फिर दूसरा बनेगा माइनस वन से वन, और तीसरा बनेगा वन टू इंफिनिटी, और ये तीनों के तीनों इंटरवल आपके ओपन इंटरवल है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि इन दोनों वैल्यूज को आप यूज नहीं कर सकते, इनके बीच की वैल्यूज ही यूज करनी होगी। अब यहां होता है एफ डैश एक्स, और देखिए एफ डैश एक्स क्या है मेरे पास, मेरा एफ डैश एक्स क्या था, एफ डैश एक्स है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन। तो जरा ध्यान से देखते हैं, अब माइनस इंफिनिटी से माइनस वन के बीच में कोई एक वैल्यू रख लीजिए, मेक इट माइनस टू। ठीक है, चलिए माइनस टू रखते हैं, तो माइनस टू का स्क्वायर इज फोर, फोर इज ग्रेटर देन वन दैट इज पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लिख देते हैं। ठीक है, चलिए माइनस वन से वन के बीच में कोई वैल्यू रखिए, मेक इट जीरो, डालिए अपने एफ डैश एक्स के एक्स में, तो जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो बड़ा है वन से, ये बात तो गलत है, तो नेगेटिव रखनी वैल्यू इस बात को। ठीक है, अब वन से इंफिनिटी, ये एक ही बात है, वन से इंफिनिटी के बीच में कोई नंबर, मेक इट टू, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो वन और इंफिनिटी दोनों यूज नहीं हो सकते, तो टू रख दिया, तो टू और टू को डालना का है एफ डैश एक्स के एक्स में, तो डालिए टू टू जा फोर, फोर इज अगेन ग्रेटर देन वन, दैट इज पॉजिटिव। तो यहां क्लियरली शो हो रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है यहां पर भी, और यहां है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है माइनस बर्थडे वन पे। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा था कि इस फंक्शन पर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो देखिए माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, वन टू इंफिनिटी दोनों पर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो मुझे यही शो करना था, तो ये था मेरा फाइनल आंसर, दैट्स ऑल। हमारे व्यूअर्स को अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट शेयर लाइक कर सकते हैं, आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आप अपना क्वेरी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है।